सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आज के एक और न्यू वीडियो में। एंड गाइस, आज की वीडियो में जो हमारे पास फोन है सैमसंग गैलेक्सी यहाँ पे A52s, यहाँ पे गाइस 5G देखने को मिल जाता है। जी हाँ जी गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ इस फोन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है, क्या क्या नहीं देखने को मिल जाता है। बट गाइस, इसमें एक चीज जो फर्क है वो ये है कि ये गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। इसमें बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ कि जब आप ये फोन खरीदते हो तो गाइस 2 साल के अंदर जो आपका फोन का परफॉर्मेंस है वो कितना डाउन हो जाता है, या फिर गाइस कितना लैग वगैरह चलता है या नहीं चलता है। तो गाइस आज की वीडियो में पूरा रिव्यू करने वाले हैं। बाकी गाइस, चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बोल पर सेट कर लो गाइस। इसी तरह की वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ ताकि गाइस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत विक्कत तो आई है या नहीं आई है, या 2 साल के बाद ये वैसे ही परफॉर्म करता है या नहीं करता है, जैसे कि आप गाइस अगर लोगे तो करेगा या नहीं करेगा। बाकी गाइस, प्राइस वगैरह की बात करेंगे तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ऑलराइट गाइस, देख लिया गाइस, सबसे पहले तो मैं इसकी स्पेसिफिक बता देता हूँ कि इस फोन के आपको क्या क्या स्पेसिफिक वगैरह देखने को मिल जाता है, फिर मैं बताऊंगा गाइस कि ये वाकई में उतना काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए गाइस इसकी बात करते हैं पहले प्रोसेसर वगैरह से। सो गाइस, इस फोन में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 778G, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर ऑक्टा कोर के साथ रहता है गाइस। 6GB रैम देखने को मिल जाता है, जिसको गाइस 8GB तक स्टेबल कर सकते हो। बाकी गाइस डिस्प्ले की बात करते हैं, इस फोन के जो डिस्प्ले होता है गाइस 6.5 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस सुपर एमोल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस का डिस्प्ले का देख ही सकते हो कितना ओके रहता है। जी हाँ जी गाइस, इसका जो डिस्प्ले है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड लुक वाइज काफी ज्यादा अमेजिंग सा लगता है। बाकी गाइस कैमरे की बात करते हैं तो देख लीजिए गाइस, इसका जो आपको कैमरा देखने को मिल जाता है यहाँ पे देख लीजिए गाइस 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, एक 12 मेगापिक्सल का, एक 5 मेगापिक्सल का एंड गाइस एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। LED फ्लैश देखने को मिल जाता है, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS के साथ। फ्रंट कैमरे की बात करते हो 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS के साथ। एंड बैटरी हेल्थ की बात करते हो गाइस, इसमें आपको 4500 mAh बैटरी देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस वोट की बात करें तो देख लीजिए, इसमें 25 वोट का यहाँ पे चार्जर सपोर्ट करता है, जो कि गाइस यहाँ पे आपको टाइप सी देखने को मिलने वाला है। बाकी गाइस बात करते हैं इसमें गाइस और भी स्पेसिफिक वगैरह की, तो देख लीजिए ये तो मेरे बता दिया गया जो जो स्पेसिफिक वगैरह थे वो इस फोन की। बाकी गाइस बात करते हैं ओवरऑल इसकी लुक वगैरह की, तो गाइस देख लीजिए लुक वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, काफी अच्छा लुक है गाइस। बट गाइस इसमें देख लीजिए एक जो चीज है यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट मिलता है, बाकी सारे फोनों में गाइस इधर मिलता होगा गाइस या पीछे मिलता होगा, बट गाइस इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो फिंगरप्रिंट है आपको यहाँ पे स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा फिंगरप्रिंट है, टच होते ही यहाँ पे ये खुल जाता है। एंड गाइस बात करते हैं गाइस ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह की, तो देख लिया गाइस 2 साल जब तक मैं यूज कर रहा हूँ तब तक गाइस अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी गाइस काफी अच्छा ये फोन है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी अभी दिखाऊंगा गाइस इसकी गेम खेलने में कैसा लगता है। एंड गाइस ओवरऑल बताऊँ तो काफी अच्छा है। देख लिया गाइस, जब बात करते जो आपके मैंने ये बता दिया गाइस क्या क्या इसमें देखने को मिल जाता है, बट गाइस को अगर रियल में टेस्ट करें तो देख लिया गाइस जो इसका बैक कैमरे की रिकॉर्डिंग रहती है वो कुछ इस तरह की रहती है।
जो आपको ओवरऑल बॉडी की बात करें तो देख लेगा, ऊपर की साइड देखोगे तो आपको एक सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, एंड इस साइड देखोगे तो आपको वॉल्यूम पावर यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएंगे, नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको गाइस एक चार्जर का देखने को मिल जाएगा, और गाइस यहाँ पे एक जैक का देखने को मिल जाएगा, एक स्पीकर का देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इसमें एक और चीज खास बात, यहाँ पे गाइस आप स्पीकर तो यहाँ से देख लिएगा, स्पीकर से आवाज देते ही है, बट गाइस इसका एक खास बात यह है कि यहाँ से भी स्पीकर का आवाज देता है, जान जी जब इसका गाना वगैरह सुनोगे तो यहाँ से भी आवाज यहाँ पे देता है, जाके गाइस जो आवाज रहता है काफी अच्छा से यहाँ पे सुनाई दे देता है। एंड गाइस ओवरऑल काफी अच्छा यहाँ पे फोन है, इसे आप बाय कर सकते हो। एंड गाइस ऑलरेडी गाइस चलिए बात करते हैं टोटली प्राइस वगैरह की, तो देख लेंगे जो मैं प्राइस बताऊंगा वो गाइस ऊपर नीचे हो सकता है, सो गाइस यहाँ पे मैं प्राइस नहीं बताना चाहता हूँ। इसके लिए गाइस सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे मैं गाइस इस फोन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि कितने का प्राइस पड़ेगा। बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ऐसी और वीडियोस के लिए गाइस बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना है। चलिए गाइस मैं मिलता हूँ ऐसे एक और न्यू वीडियो के साथ।